मेरा टेक की तरफ से आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, किसी भी टेस्ट फाइल में आपके द्वारा टाइप करने के बाद कुछ गलत हो जाता है तो आपके द्वारा उसे डिलीट करना होता है। इसके लिए बैकअप पर क्लिक करके उसे डिलीट करते हैं। सिर्फ बैकअप से पीछे की साइड डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जो मैटर मैंने लिखा है या जो वर्ड मैंने लिखा है उसका फर्स्ट अक्षर डिलीट करना है, जैसे इसका फर्स्ट अक्षर डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पर डिलीट प्रेस करिए तो फर्स्ट अक्षर डिलीट हो जाएगा। और आपका यहाँ पर कर्सर है और आप पीछे वाले सेंटेंस को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट बटन को प्रेस करके रखिए, इससे पीछे वाले अक्षर डिलीट होने लग जाएंगे। इन दोनों का सबसे बड़ा मूल अंतर यह है कि बैक स्पेस से आप आगे वाली साइड से डिलीट कर सकते हैं और डिलीट बटन से आप पीछे वाले वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन की घंटी पर क्लिक जरूर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।